नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। छिंदवाड़ा के पांडुर्णा को जिला बनाने की मांग को लेकर जारी है पोस्ट कार्ड अभियान। 60,000 पोस्ट कार्ड भेजने का है लक्ष्य। खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पांडुर्णा नगर को जिला की मांग को निरंतर क्षेत्रवासियों द्वारा उठाया जा रहा है, जिसके तहत क्षेत्र के छोड़ी बड़ी सभी संस्था, समिति, संगठन, फाउंडेशन द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा पूर्व में पांडुर्णा आगमन पर जन सैलाब को संबोधित करते हुए पांडुर्णा को जिला बनाने की घोषणा की थी। उसी घोषणा को याद दिलाते हुए क्षेत्र की जनता मुख्यमंत्री के नाम आवेदन सौंप, विधानसभा चुनाव पर लगने वाली आचार संहिता लगने के पूर्व आधिकारिक रूप से पांडुर्णा को जिला बनाने की कार्यवाही पूर्ण करने की मांग की जा रही है। साथ में नगर में पोस्ट कार्ड अभियान की भी शुरुआत की गई है। इस अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री के नाम 60,000 पोस्ट कार्ड क्षेत्रवासियों द्वारा अपने हस्तलिखित अपने नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखकर मुख्यमंत्री को पुरानी घोषणा को याद दिलाते हुए पांडुर्णा को जिला बनाने की मांग की जा रही है। पोस्ट कार्ड अभियान में नगर के वार्ड, ग्रामीण से लेकर धार्मिक स्थलों पर पोस्ट कार्ड अभियान को अधिक प्रभावशील मानते हुए जनता द्वारा रुचि लेकर पोस्ट कार्ड लिखने का सिलसिला जारी है। वहीं नगर के प्रत्येक क्षेत्र में पांडुर्णा को जिला बनाने की चर्चा जोरों पर चल रही है। साथ में पान ठेले, नाई की दुकान, किराना दुकान, चौपाटी से लेकर बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में पांडुर्णा जिला बनाने की आस दिखाई दे रही है। वहीं समाज सेवी संस्था के सदस्यों द्वारा पांडुर्णा को जिला बनाने की मांग को लेकर स्टिकर अभियान, होल्डिंग अभियान के साथ दीवारों मार्ग पर पेंटिंग कर जिले की मांग को उठाया जा रहा है। इसी के साथ क्षेत्र की राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी सामूहिक रूप से रैली निकालकर मुख्यमंत्री की पुरानी घोषणा पांडुर्णा जिला बनाने की मांग को पूरा कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय नेताओं द्वारा भी प्रदेश में पदासीन नेताओं से संपर्क कर जनता की मांग के अनुरूप पांडुर्णा को जिला बनाने की बात को रखा जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा प्रदेश मुख्यालय जाकर मेल मुलाकात कर जनता की मांग को जल्द पूरा कराने की बात रख रहे हैं। पांडुर्णा संवाददाता मनोज गुर्थी की रिपोर्ट।